दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक उन्हें पहली बार ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। बाद में केंद्रीय एजेंसी ने फिर से हिरासत मांगी तो कोर्ट ने 1 अप्रैल तक उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी थी। अब कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल चर्चा में बनी हुई है। पति के गिरफ्तार होने के बाद पत्नी सुनीता ने मोर्चा संभाला हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में सीएम केजरीवाल की जगह अब वो ले सकती हैं। पूर्व आईआरएस अफसर सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी काफी पुरानी है। दोनों ही आईआरएस अफसर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल एक उच्च शिक्षक महिला है जिन पर आम आदमी पार्टी भरोसा जता सकती है। आइए एक नज़र सुनीता केजरीवाल की शिक्षा दीक्षा पर डालते हैं। सुनीता केजरीवाल पूर्व आईएएस अधिकारी तो है ही, साथ ही उन्हें 20 साल से ज्यादा सिविल सर्विस का भी अनुभव है। जानकारी के अनुसार सुनीता केजरीवाल ने जुलाजी में मास्टर डिग्री हासिल की है। साल 1993 बैच की आईआरएस अधिकारी सुनीता की पहली मुलाकात उस दौरान 1995 बैच के आईआरएस अधिकारी अरविंद केजरीवाल से भोपाल में हुई। दोनों ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिले। बाद में इसी मुलाकात की परिणति शादी में बदल गई। इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने साल 2006 में आईआरएस के पद से इस्तीफा दिया था तब भी सुनीता सिविल सर्विसेज में रही हैं। पति अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर वह दिल्ली के विकास और प्रशासन में अपना योगदान देने में सक्रिय रही हैं।